यस दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं मामलुक डायनेस्टी के बारे में। हमने पढ़ा लास्ट चैप्टर में, हमने पढ़ा तुगलक डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, उसके मामलुक के बाद पढ़े सैयद डायनेस्टी। पढ़े सैयद में आपको याद होगा खीर खाने वाले भाई साहब से मिले थे। लोधी डायनेस्टी के बारे में भी हमने पढ़ा। ये सारे के सारे जितने भी डायनेस्टी थे लगभग 300 साल तक राज किए, और ये पीरियड को हम कहते हैं सल्तनत पीरियड। आज का जो चैप्टर है वो हमें देखना है कि ये सल्तनत पीरियड में आम जनता का लाइफ कैसा था। क्विक रीडिंग, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है समझाने का, जैसे लास्ट चैप्टर में बहुत कुछ कहानी थी। आइए क्विक रीडिंग लगाते हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली सल्तनत मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू ईरा इन द इंडियन पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक। व्हाट इज दिस? फिर से, the establishment of the Delhi Sultanate marked the beginning of the new era in the Indian political, socio-economic, cultural and religious history। चार पॉइंट बताया गया। न्यू ईरा, न्यू ईरा किस चीज में? पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल में नया ईरा है। सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो इकोनॉमिक का क्या मतलब? एक तो सोशियो मतलब समाज, सोसाइटी, और समाज में, सोसाइटी में कैसे पैसे का लेन देन का क्या सिचुएशन था, सोशल सोशियो इकोनॉमिक। कल्चरल, कल्चरल मतलब डे टू डे ट्रेडिशन एंड कल्चर। एंड रिलीजन, एक नया ईरा आया, कल्चरल एज वेल एज रिलीजन या रिलीजियस हिस्ट्री। क्यों हुआ ये सब, आइए देखते हैं। द 300 ईयर्स ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, 300 साल का मुस्लिम रूल आया इंडिया में। इससे पहले मुस्लिम्स नहीं थे इंडिया में। मोहम्मद गजनवी आए, मोहम्मद गोरी आए, और 300 साल का मुस्लिम रूल इन इंडिया लेड टू द एमर्जेंस ऑफ अ फैसिनेटिंग इंडो इस्लामिक कल्चर। दो अलग अलग कल्चर का मिलन हुआ, इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं सर, इंडो इस्लामिक कल्चर। लेट अस रीड अबाउट हाउ दिस कल्चर इन्फ्लुएंस द वेरियस फैसेट्स
ऑफ लाइफ इन दिस पीरियड। तो ये वेरियस फैसेट्स क्या है? ये वेरियस फैसेट्स है पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस। इसी के बारे में वापस से हमें पढ़ना है। तो क्या आप रेडी हो? देखिए, बात कर रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की। पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मतलब सिचुएशंस, राजा, सुल्तान, पॉलिटिकल पार्टीज। देयर वर मेनी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रीवियस पीरियड चेंज्ड इन मल्टीपल वेज। प्रीवियस पीरियड मतलब सल्तनत पीरियड से पहले के जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सल्तनत पीरियड में बहुत कुछ चेंज हुआ। क्या चेंजेस है? एडमिनिस्ट्रेशन में देखो चेंज आया। कैसा चेंज आया? द सुल्तान्स ब्रॉट अबाउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द गवर्नेंस ऑफ इंडिया। इंडिया कैसे गवर्न हो रही थी पहले और अब क्या चेंजेस है? दे एक्सरसाइज, हु आर दे मतलब द सुल्तान्स। सुल्तान्स दे एक्सरसाइज कंसिडरेबल अथॉरिटी ओवर द सल्तनत टेरिटरीज। जो भी उनके टेरिटरीज थे, कंसिडरेबल काफी अथॉरिटी ओवर द सल्तनत टेरिटरीज। एंड देयर वर्ड वॉज द लॉ। एक बार जो मैंने कह दिया तो मैं अपनी आप की भी नहीं सुनता हूं। देयर वर्ड वॉज द लॉ। द सुल्तान वर एबल टू मेंटेन कंट्रोल ऑफ द एम्पायर बेस्ड ऑन देयर मिलिट्री स्ट्रेंथ। मिलिट्री स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट था। दे वर द सुप्रीम कमांडर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। सुल्तान जो थे वही कमांड करते थे आर्म फोर्सेस को। पहले भी हमने पढ़ा है आर्मी को मजबूत रखना जरूरी था, आर्मी को मजबूत रखना जरूरी था। सो दे वर द सुप्रीम कमांडर्स ऑफ द आर्म फोर्स, द चीफ लॉ मेकर्स एंड द फाइनल कोर्ट्स ऑफ अपील। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील बहुत बड़ा बात है दोस्तों। फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, जैसे आज के दिन में लोअर कोर्ट ने कुछ फैसला दिया तो हाई कोर्ट में चले जाओ, हाई कोर्ट ने कुछ फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट में चला जाओ, जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है। तो सुल्तान जो बोल दिए ना उसके ऊपर कोई नहीं, फाइनल अपील, फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। ये बात हम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में। कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था? देयर वॉज अ स्ट्राइकिंग डिफरेंस बिटवीन द न्यू किंग्स एंड दोज ऑफ द पास्ट। नए किंग्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग? सल्तान, सुल्तान। और पास्ट के जो राजा थे उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस था। द लॉ ऑफ प्रीमोजेनिचर डिड नॉट एग्जिस्ट अमंग द सल्तनत किंग्स। प्रीमोजेनिचर मतलब पहला बेटा, बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, ये सुल्तान किंग्स के सिचुएशन पे नहीं थे। ये तो आपने देखा भी है कि कितने षड्यंत्र होते थे। द एल्डेस्ट सन वॉज नॉट द सोल एयर, कि जो बड़ा बेटा है उसी का सब कुछ नहीं। दिस इनएविटेबली लेड टू द पावर स्ट्रगल फॉर द थ्रोन एवरी टाइम अ रूलर डाइड। जब जब कोई मरा, हिंदू राजा लोग में क्या था सिचुएशन कि भाई जो बड़ा बेटा है उसे राजगद्दी मिल जाएगा। हमारे हिंदू राजा और हमारे हिंदू धर्म में जो रामायण के जो पुस्तक थे, हमारी जो संस्कृति थी, वो संस्कृति इन लोगों ने पर्शियन में कन्वर्ट कराया। तो रामायण जैसा संस्कृति जहां भरत छोटा भाई राजगद्दी को त्याग देता है कि नहीं ये तो बड़ा भाई का अधिकार है, मैं तो नहीं लेता जी, तो ये संस्कृति हमारे देश में चल रही थी। और मुस्लिम संस्कृति वैसी नहीं थी दोस्तों। वहां पर पावर के लिए लड़ाई होती थी, भाई भाई का कत्ल कर देता था। तो ये संस्कृति संस्कृति का फर्क है। अनदर ट्रेंड इन द सुल्तनत पीरियड वॉज द राइज एंड द फॉल ऑफ मेनी डायनेस्टीज एंड सुल्तान्स इन अ रिलेटिव शॉर्ट पीरियड। राइज एंड फॉल काफी थे, स्टेबिलिटी नहीं था। बहुत सारे डायनेस्टीज आए, सैयद आए, खिलजी आए, लोदी आए, और जो लोग उन्हीं के दरबार में काम कर रहे थे उन्होंने ही गवर्नर्स नहीं यूजअप कर लिया, हड़प लिया या वॉर डिक्लेयर कर दिया। द क्रूशियल रोल ऑफ द नोबल्स एंड द जनरल्स ऑफ द आर्मी इन ओवरथ्रोइंग द वीक रूलर्स वॉज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस एज। आर्मी में जो थे और नोबल्स एंड जनरल्स, द क्रूशियल रोल ऑफ नोबल्स
the Chalangini, the generals of the army, in overthrowing the weak rulers, जो कमजोर राजा थे उनको तो भगाओ भाई फटाफट, was another characteristics of this age. मतलब इस एज में, इस एज में ताकत का नंगा प्रदर्शन हुआ है. कौन कितना ताकतवर है, जो ताकतवर है वही बैठेगा. सर्वाइवल ऑफ द पावरफुल. द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द सल्तनत वॉज एबल टू फंक्शन एफिशियंटली इन स्पाइट ऑफ वेरियस डिफिकल्टीज बिकॉज ऑफ अ वेल डेवलप्ड पोस्टल एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. पोस्टल सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट. ये दोनों सिस्टम के कारण एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन. तो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए क्या चाहिए? पोस्टल चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए. इट वॉज लार्जली एन ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक आज है जहां जनता वोट करती है. ऑटोक्रेटिक मतलब मैं राजा हूं, मैं सुल्तान हूं, जो मैं बोल दिया, जो मेरा बात है, मेरा वचन ही शासन है. एरिस्टोक्रेसी की बात करते हैं. एरिस्टोक्रेसी, द रूलिंग क्लास कंसिस्टेड ऑफ द सुल्तान हु वाज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. ये तो समझ में आ ही रहा, एडमिनिस्ट्रेशन के हेड तो सुल्तान ही रहेंगे. रूलिंग क्लास, एरिस्टोक्रेटिक क्लास. एंड ही वाज द सेंटर ऑफ द पावर. द नोबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द वजीर. वजीर आजम, आज भी हम लोग चेस में देखते हैं. हु लुक्ड आफ्टर द वेरियस डिपार्टमेंट्स. वजीर कौन कौन से डिपार्टमेंट को देखता था? मिलिट्री देखता था, करेस्पॉन्डेंस देखता था, जस्टिस देखता था, इंटेलिजेंस एंड एग्रीकल्चर. इंटेलिजेंस मतलब खुफिया, स्पाई. द दीवानी रसालत वॉज इन चार्ज ऑफ फॉरेन अफेयर्स. ये सब आपको याद करना होगा दोस्तों. फॉरेनर्स, ठीक है, मैं फॉरेन कंट्री गया, मैंने ऐसा रस पिया कि बस मुझे लत लग गई दोस्तों. मैं तो दीवाना हो गया उस फॉरेन कंट्री के रस का. तो बस यही याद रखना, दीवानी रसालत. मैं दीवाना हो गया जी, फॉरेन कंट्री गया था मैं, सिंगापुर गया था, वहां का ऐसा रस पिया मैं कि बस लत लग गई है. The दीवानी रसालत was in charge of foreign affairs, foreign country गया था. The अरीज़े मामालिक was in charge of the military department. मामालिक, ठीक है, मामा, मामा एंड मिलिट्री, इस दोनों को कॉम्बिनेशन में बैठाने का कोशिश करो. या मिलिट्री में अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो बस अब तो मालिक ही आपकी माँ है. मालिक एंड माँ रिवर्स करो. कुछ भी करके याद रखना है, द अरीज ई मामालिक, मिलिट्री डिपार्टमेंट. कि अब तो मालिक ही माँ है या माँ ही मालिक है. वाइल द काजी, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी. ये कहावत है, काजी मतलब द चीफ जज was the sultan's advisor on religious issues. Religion की मैटर पे थे काजी, उससे पहले थे वजीर और थे दीवानी रसालत, who was in charge of the foreign affairs. और मिलिट्री डिपार्टमेंट में थे द अरीज़ी मामालिक. सोसाइटी के बारे में देखिए, कुछ जानते हैं. The society during this period saw an interesting fusion between the Indian and the Islamic culture. India का culture और Islam का culture दोनों के बीच में हुआ mix, fusion हुआ. Many Indians embraced Islam, which led to the absorption of the indigenous ideas and beliefs into Islam. अगर मैं Indian हूँ, मैं Islam धर्म को follow करना चाह रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में जो पहले के Indian ideas थे, वो भी तो Islam के साथ जाके mix हो गए. The caste system among Hindus continued to be rigid. Hindus में जो caste system थे, जो Vedic period से चले आ रहे थे, the Brahmas, the Brahmanas, the Shudras, the Kshatriyas, the Vaishyas, वो अभी भी एकदम मौजूद थे caste system. Inter-caste marriage continued.
टू बी डिस्करेज। मैं भी वही सोच रहा था इंटरकास्ट मैरिज कंटिन्यू, नहीं जी डिस्करेज हुआ करते थे। आजकल के जो बच्चे हैं आप लोग कास्ट को नहीं मानते, 50 साल पहले तक भी, 20 साल 25 साल पहले तक भी शादी करने से पहले कास्ट गोत्र बहुत कुछ मिलाया जाता था। सती चाइल्ड मैरिज एंड पर्दा बिकेम वाइडली प्रेवलेंट। सती मतलब अगर मेरा हस्बैंड मर गया तो मैं भी आग में वसीभूत हो जाऊंगी, सती कहते थे। चाइल्ड मैरिज बच्चों का शादी कर दिया जाता था। वैसे आजकल के बच्चे तो चाहते हैं कि हाँ हमारा भी चाइल्ड मैरिज ही कर दिया जाए, ऐसा है क्या बच्चों? ऐसा है, बट कुछ बड़े बच्चे हैं जो शादी ही नहीं करना चाहते। तो बड़ा मैरिज एक बड़ा आज के डेट में कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बनते जा रहा है। पर्दा बिकेम वाइडली प्रेवलेंट, बड़ा आप लोगों को हंसी आ रहा होगा पर्दा के बारे में। लोग पहले अपने चेहरे को ढक के रखते थे, आज का सिचुएशन तो ऐसा है कि बस मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। द मुस्लिम वुमेन स्ट्रिक्टली फॉलो द पर्दा सिस्टम। एजुकेशन एट द प्राइमरी लेवल वॉज कंडक्टेड एट टेम्पल और मॉस्क एंड इंक्लूडेड रिलीजियस लर्निंग। धर्म संस्कार भी दिया जाता था मंदिरों में और मस्जिदों में। हायर एजुकेशन फोकस्ड अपॉन थियोलॉजी, थियोलॉजी इज अगेन अबाउट स्टडी अबाउट रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक स्टडी अबाउट लैंग्वेजेस। द सोसाइटी ऑफ दिस पीरियड वॉज डिवाइडेड इंटू 4 मेन सोशल ग्रुप्स। 4 सोशल ग्रुप्स थे दोस्तों, क्या थे आइए। एरिस्टोक्रेसी जो रईस लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स। दिस वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलिंग क्लास। द क्लास कंप्राइज द सुल्तान, हिज रिलेटिव्स, नोबल्स, हिंदू प्रिंसेस एंड लैंडलॉर्ड्स। जितने रईस लोग थे, रिच पीपल। प्रीस्टली क्लास, मौलवीज, ब्राह्मणास, काजीज, उलेमास, ये थे प्रीस्टली क्लास। प्रीस्ट मतलब साधु क्लास। द उलेमास एंड द ब्राह्मणास हेल्ड इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन। द उलेमास वर द चीफ एडवाइजर्स टू द सुल्तान। ये भगवान का नाम और खुदा का नाम से ये भी राज किए। राजाओं के ऊपर राज करने वाले थे तो प्रीस्टली थे, प्रीस्ट। अब आ जाओ जो टाउन में रहते थे, टाउन ड्वेलर्स। द टाउन ड्वेलर्स कंसिस्टेड ऑफ ऑफिशियल्स, आर्टिसंस, क्राफ्टमैन, मर्चेंट्स, स्लेव्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स। ऑक्यूपेशंस वर लार्जली हेरिडिटरी। ऑक्यूपेशन मतलब जो बिजनेस था, शूद्र का बेटा शूद्र, वैश्य का बेटा वैश्य, जो जैसा काम कर रहा था। पिताजी जो काम कर रहे थे, बोलते ना कि अगर मेरा पापा यही काम कर रहा था तो मैं भी यही काम करूंगा। तो बहुत साल तक तो यही चर्चा चला था, जैसा बाप वैसा बेटा। समाज ने ये सब चीजों को तोड़कर आज आगे निकला है। आज एक रिक्शा वाला का बेटा भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है। तो आज वो बात नहीं कि जो मेरा पिताजी अगर रिक्शा चला रहा तो मैं भी रिक्शा ही चलाऊंगा। तो ये सब बातें देखो कितने पुरानी है। पेजेंट्री मतलब फार्मर्स, द पेजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड। गरीबों, गरीब थे, एक्सप्लॉइट किया गया है, सारे के सारे लोग एक्सप्लॉइट किया। एंड दे हैड टू पे हेवी टैक्सेस। द टैक्स पेड बाय देम वाज द चीफ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। जो भी राजा था, सुल्तान था, ये जो गरीब लोग टैक्स देते थे। ये बड़ा अजीब सिस्टम है, मैक्सिमम लोग गरीब रहते हैं और गरीब को ही लूट लो। गरीब से नफरत करो और गरीब को ही लूटो, उनके साथ अत्याचार करो, उनके ही लूटे हुए पैसे पे आप अमीरी करो। ये चीज मुझे नहीं समझ में आती है, बट यही इतिहास में बार बार देखा जा रहा है कि गरीब और कमजोर पर ही जुल्म ज्यादा ढाए जाते हैं। इकॉनमी एंड ट्रेड। इकॉनमी मतलब पैसा और ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस। इंडिया वॉज अ प्रॉस्परस कंट्री ड्यूरिंग दिस पीरियड। बड़ा दुख के साथ पढ़ना पड़ता है, इंडिया वॉज। कब होगा कि इंडिया इज एंड इंडिया विल बी, इंडिया इज एंड इंडिया विल बी प्रॉस्परस। दोस्तों अगर हम अपने गलतियों को ना दोहराएं, इतिहास और हिस्ट्री पढ़ने का मेन मकसद ये है कि क्या गलती हमने किया है, उस गलती को नहीं दोहराना है। एग्रीकल्चर रिमेन द मेन स्टे ऑफ द पीपल। Although many secondary occupations had come up in the urban and rural areas, guilds, मतलब एक तरह के associations,
were active and continued to remain an integral part of the economy. जैसे अलग अलग गिल्ड्स होते थे, एसोसिएशन, कि चलो हम लोग मिलकर एक रेट फिक्स करेंगे, तो वो उस जमाने में भी गिल्ड्स हुआ करते थे. इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड कॉटन, वूल एंड सिल्क मेकिंग, एज वेल एज डाइंग, मेटल स्टोन एंड शुगर मैन्युफैक्चरिंग. अदर इंडस्ट्रीज कंप्राइज शू मेकिंग एंड मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स एंड परफ्यूम्स. क्या बात है, परफ्यूम बनाने का भी काम था. Every town had a marketplace where traders and merchants came together to conduct business. Fairs, mela, were also an important meeting ground. Delhi was a prosperous city and a major commercial center. India had flourishing trade relationships with several countries. Sea routes, Samudra Rasta, connected the Indian ports to distant regions of Europe, China and other countries in the Pacific Ocean. Land routes connected the subcontinent to Central Asia, Afghanistan, Persia, Tibet and Bhutan. India was known for importing luxury items. Kya baat hai, rahis log bahut the, bahar se bhi luxury items manga lete the. The usage of currency had increased. Coins were minted and issued during the Sultanate period. Coins ka baat yaad rakhiyega, ek bewakoof raja bhi, sultan bhi tha, Muhammad bin Tughlaq, जिसने कॉपर कॉइन्स को सिल्वर और गोल्ड के वैल्यू पे इशू किया था. कल्चरल डेवलपमेंट्स की बात करते हैं. द फाइव सक्सेसिव डायनेस्टीज दैट रूल्ड द दिल्ली सल्तनत प्रोड्यूस अ कंपोजिट कल्चर. कंपोजिट मतलब मिक्स्ड. इंडियन एंड इस्लामिक एलिमेंट्स मर्ज टू क्रिएट यूनिक डेवलपमेंट्स इन द लैंग्वेज, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, आर्ट एंड आर्किटेक्चर. लैंग्वेज एंड लिटरेचर. The rise of the Persian-speaking sultans resulted in the spread of Persian language in India. Persian became the court language of the Sultanate. Amir Khusrau, a noted writer of the period, wrote about Indian events in Persian. Hindi and Persian fused together and gave birth to a language called Urdu, mere dost. Urdu was also called a camp language as it developed in the army camps. Urdu kahan develop hua tha? Army camps. संस्कृत जो बहुत पुरानी भाषा थी उसके बारे में जानते हैं. संस्कृत कंटिन्यू टू रिमेन एन इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ द पीरियड. रीजनल लैंग्वेजेस फ्लरिश बिकॉज ऑफ भक्ति सेंट्स, जो घूम घूम के भक्ति प्रेजेंट वो कर रहे थे, भक्ति के बारे में प्रीच कर रहे थे, भक्ति प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल. दीज रीजनल लैंग्वेजेस इंक्लूडेड बंगाली, पंजाबी, मराठी, ओडिया, कन्नड़, तेलुगु एंड तमिल. लिटरेचर कंसिस्टेड ऑफ ट्रांसलेशन एंड ऑफ Translations and the original work. Original work भी हुआ है और कुछ पुराने work को translate किया गया. The Ramayana and the Mahabharata were translated into different regional languages. Other Sanskrit works were also translated into Persian, Arabic as well as various regional languages. Music, dance and painting के बारे में. Indo-Islamic fusion enriched music and the North Indian और द हिंदुस्तानी म्यूजिक केम इन टू बींग. ये जो नॉर्थ इंडियन म्यूजिक का जो हम बात करते हैं या हिंदुस्तानी म्यूजिक जो आज हम जिसे बोलते हैं, ये फ्यूजन था इंडो इस्लामिक का. अमीर खुसराव, द कोर्ट पोएट एंड म्यूजिशियन इन अलाउद्दीन खलजी कोर्ट, प्रोड्यूस सेवरल रागास. अलग अलग राग उसने प्रोड्यूस किया दोस्तों, और मेलेडीज. कव्वाली जिसे आज हम जानते हैं, कव्वाली इज अ न्यू फॉर्म ऑफ सिंगिंग इन कोरस, was popularized. A new dance form Kathak emerged. Kathak bhi ye Indo-Islamic contribution hai dosto. New musical instruments such as the tabla, sitar and sarangi were developed during this period. Miniature painting flourished in the Sultanate period. Miniature painting, chota. Indian painters were influenced by the Persian style of painting. Making portraits of the Sultan became popular. Us samay cameras nahi hua karte the dosto. तो सुल्तान के पोर्ट्रेट्स बनते थे जो कि पेंटिंग थे, पर्शियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग. आर्ट एंड आर्किटेक्चर. द सल्तनत पीरियड सॉ द राइज ऑफ अरबिक एंड पर्शियन स्टाइल्स ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया. कौन से दो स्टाइल? अरबिक एंड पर्शियन. द एग्जिस्टिंग इंडियन स्टाइल्स एंड द न्यू आइडियाज हैड मेनी कॉमन फीचर्स व्हिच अलाउड देम टू ब्लेंड विद ईच अदर.
अगर कुछ कॉमन फीचर होता तो दोनों आपस में इजिली मिक्सअप हो जाते हैं, ब्लेंड हो जाते हैं। ब्लेंड करके क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू डिस्टिंक्टिव इंडो इस्लामिक स्टाइल। फॉर इंस्टेंस बोथ द टेंपल एंड मॉस्क हैड लार्ज ओपन कोर्टयार्ड्स, दोनों मस्जिद हो या मस्जिद हो ओपन कोर्टयार्ड्स थे। The Sultanate period also saw the introduction of two new architectural features, the dome and the pointed or the true arch. दो नया फीचर आए, तो डोम का और एक पॉइंटेड या ट्रू आर्च, पॉइंटेड आर्च या ट्रू आर्च। Extensive use of bricks enabled the builders of this period to build larger structures, covering more area. The use of red sandstone added color to the buildings. Local Indian craftsmen soon trained into Persian styles of art, which they used to decorate the structures. Local Indian craftsmen ne Persian style seekh liya. They also implemented some of their own ideas. Ye dekho, Islamic style carvings and calligraphy on the walls of Alai Darwaza. And soon, bahut jald, traditional Hindu motifs such as lotus found their way into the Islamic architecture. Verses from Quran were engraved on the walls of some building. The early dynasties of the Sultanate period, namely the Slave dynasty and the Khalji dynasty, created some exclusively designed structures with fine works of art. Ye dekhiye, an illustration depicting the double dome. During the Tughlaq period, the style of architecture was less decorative and more simple and austere. The Sayyids and the Lodis in turn brought more lavish styles, with the latter matlab the Lodis introducing the new concept of double dome. मेरे ख्याल से ये चैप्टर हमने बहुत जल्दी खत्म कर दिया दोस्तों, ये आप आराम से देखिएगा, मौज करिए। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आपसे आपके साथ, दैट इज अबाउट द विजयनगर एंड द बहामानी किंगडम। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, या चलो आज का ये चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, छोटा सा चैप्टर था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द बहामानी, एक मिनट क्या नाम है इसका, द बहामानी एंड द विजयनगर किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। चलो टेक केयर, एन्जॉय, गुड नाइट, टेक केयर।